उद्धव ने बागी विधायकों के स्टाफ हटाने का आदेश दिया, सरकार बचाने के लिए पवार राउत की मीटिंग। गुवाहाटी पुलिस ने शिवसेना नेता संजय भोसले को हिरासत में ले लिया है। भोसले बागी विधायकों से बातचीत करने के लिए गए थे। शिवसेना के विधायकों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह खबर आई कि मुंबई से दो और शिवसेना विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। शिंदे ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जीरवाला को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर है। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। उमा भारती बोली, नूपुर के फोटो को जूतों से रौंदना गलत, तभी नारे निकलते हैं, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। अग्निपथ के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया, लोगों से समर्थन की अपील। वरुण गांधी ने पेंशन छोड़ने की पेशकश की, कहा अग्निवीरों को पेंशन का अधिकार नहीं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। थाने जेल से रिहा हुई मराठी अभिनेत्री केतकी चितले, शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामला। एकनाथ शिंदे की बढ़ रही है सेना, एनसीपी और कांग्रेस से भी नंबर गेम हो सकते हैं आगे। महाराष्ट्र संकट पर बोले शिवराज, जो कांग्रेस के साथ जाता है वह डूब जाता है। चुनाव प्रचार में कमलनाथ पर जोरदार हमला, बोले शिवराज सिंह चौहान। भाई को किया दरकिनार, बाहरी ने कर दिया उद्धव ठाकरे का काम तमाम। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से बड़ी पारिवारिक पार्टियों की चिंता, दूसरे दलों में भी फैल सकती है आग। शिवसेना के चार और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, शिवसेना 12 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता आवेदन दायर किया। शिंदे का बीजेपी से समर्थन मिलने का दावा, राउत के महाविकास आघाड़ी छोड़ने के बयान पर घमासान। उद्धव ठाकरे का सॉफ्ट फॉर्मूला नहीं पचा सके शिवसैनिक, ऐसे हारते रहे हिंदुत्व की बाजी। इतने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे।